हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे आप अपने टाटा स्काई अकाउंट को ऑनलाइन रिचार्ज कैसे कर सकते हैं घर बैठे हुए। तो आइए देखते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आ रहे हैं तो ये लाल बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ये बेल आइकन को क्लिक ज़रूर करें, जिससे होगा ये कि जैसे ही मेरा कोई भी नया वीडियो आएगा तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिलेगी। तो बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मिस ना करें। इसके लिए सबसे पहले आपको जाना होगा टाटा स्काई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर। उसके बाद आपको क्लिक करना है माय अकाउंट के ऊपर। वहां पर आपको इन्फॉर्मेशन देनी है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर की, जिसकी हेल्प से आप अपने अकाउंट में लॉगिन कर जाएंगे। मैं यहां पर अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाल देती हूँ और सबमिट बटन पर क्लिक कर देती हूँ। अब आप नीचे देख सकते हैं, आपको क्लिक करना है कंटिन्यू टू माय टाटा स्काई होम पेज के ऊपर। यहाँ से आप पहुंच जाएंगे अपने होम पेज पे। यहाँ पे आपको डालना है अपना पासवर्ड। मैं अपना पासवर्ड यहाँ पे डाल देती हूँ और सबमिट बटन पे क्लिक कर देती हूँ। अब आप देख सकते हैं मेरा जो अकाउंट बैलेंस है वो -37 है। यहाँ पर मैं 100 का अमाउंट रिचार्ज करूंगी और गो बटन पर क्लिक कर दूंगी। अब आपको क्लिक करना है प्रोसीड टू रिचार्ज के ऊपर। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे आप कोई कूपन्स अगर सिलेक्ट करना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, लेकिन फिलहाल मैं डायरेक्ट प्रोसीड टू रिचार्ज पर ही क्लिक करूंगी। इसके बाद आप क्लिक कर दे कंटिन्यू बटन पर। अब आपके पास सामने आपको दिखाई दे रहे होंगे कुछ पेमेंट मेथड्स हैं। इनमें से आप कोई भी पेमेंट मेथड सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं नेट बैंकिंग के मेथड के लिए, तो फिलहाल मैं आपको दिखाऊंगी सिर्फ नेट बैंकिंग के ऊपर। आपको क्लिक करना होगा नेट बैंकिंग के जो ऑप्शन है वहां पर। जैसे आप क्लिक करेंगे राइट साइड पे आपको पे नाउ का बटन दिखाई देगा। आपको पे नाउ पर क्लिक करना है। अब आपके सामने जो पेज आएगा उस पर आपको 6 से 7 ऑप्शंस कुछ दिखाई देंगी, सिमिलरली जैसे पहले पेज पे थी। यहाँ पर भी आपको इंटरनेट बैंकिंग को ही सिलेक्ट करना है, तो हम क्लिक करेंगे इंटरनेट बैंकिंग के ऊपर। अब आप देख सकते हैं सामने आपको 6 बैंक्स दिखाई दे रहे हैं। कोई भी बैंक आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं SBI चूज करूंगी और उसके बाद आपको सबसे नीचे मेक पेमेंट की एक ऑप्शन दिखाई देगी। आपको उस मेक पेमेंट को चूज कर लेना है। मैं फिलहाल इसमें आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चूज करके दिखा रही हूँ। जैसे आप मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे ये आपको जो आपका बैंक है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ले जाएगा। अब आपको यहाँ पर अपने जो यूजर नेम और पासवर्ड की डिटेल्स है ये फिलअप करनी है। मैं अपना यूजर नेम और अपना पासवर्ड यहाँ पर फिलअप कर देती हूँ। उसके बाद आपको लॉग इन कर देना है। तो आप भी इसी तरीके से अपना यूजर नेम और अपना पासवर्ड यहाँ पर फिलअप कर दें और उसके बाद लॉग इन बटन पर क्लिक कर दें। अब आप देख सकते हैं कि आपके पास जो आपकी ट्रांजैक्शन की डिटेल्स हैं वो यहाँ पर विजिबल होंगी। आपका जो अकाउंट नंबर है, आपकी ब्रांच नेम और अमाउंट, आपकी सारी डिटेल्स यहाँ पर विजिबल हैं। ये करेक्ट होनी चाहिए। ये वेरीफाई करने के बाद आप कंफर्म बटन पर क्लिक कर देंगे। फिर से ये आपके पास सिमिलर डिटेल्स विजिबल हैं। आप देख सकते हैं कि जो आपका अमाउंट है वो करेक्ट होना चाहिए और उसके बाद कंफर्म बटन पर क्लिक कर दें। यहाँ पर आपको अपना देना है OTP जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर रिसीव होगा और उसके बाद आपको क्लिक कर देना है कंफर्म बटन के ऊपर। अब आप देख सकते हैं आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। 100 रुपीज का आपका रिचार्ज हो चुका है। अब आप ऑटोमेटिकली अपने टाटा स्काई का जो पेज है वहां पर पहुंच जाएंगे। जो आपका 100 रुपीज का रिचार्ज था वो सक्सेसफुली आपके अकाउंट में हो चुका है। ये मैं आपको दिखाऊंगी। आप जाएंगे मैनेज पैक के ऊपर। जैसे आप मैनेज पैक पर क्लिक करेंगे आप मेरा अकाउंट बैलेंस देख सकते हैं। जो पहले -37 था वो अभी ₹50 हो गया है। मेरा अकाउंट ड्यू डेट भी बढ़ गई है, 14 दिसंबर हो चुकी है। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने अकाउंट को ऑनलाइन रिचार्ज कर सकते हैं बड़ी ही आराम से बिना किसी प्रॉब्लम के। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको इस वीडियो में दी हुई सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी। तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अगर आपका कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।